Now let us start exercise 1.2 question number 1. State whether the following statement are true or false. Justify your answer. इसमें जो है स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें देखना है या ट्रू है या फॉल्स है और उसको जस्टिफाई करना है. फर्स्ट, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. प्रत्येक रेशनल नंबर रियल नंबर होता है. तो रियल नंबर जो है वो रेशनल नंबर और इन रेशनल नंबर का कलेक्शन होता है. रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इन रेशनल नंबर. तो इन रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. रेशनल नंबर भी रियल नंबर होता है और इन रेशनल नंबर भी रियल नंबर होता है. तो ये ट्रू है. एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन ऑफ नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज द नेचुरल नंबर. एवरी पॉइंट एक नंबर लाइन है. नंबर लाइन पर जो पॉइंट होता है वो हमेशा प्लस और माइनस दोनों होता है. अगर अंडर रूट माइनस रखेंगे, अंडर रूट माइनस रखेंगे तो ये अंडर रूट माइनस इमेजिनरी नंबर होता है. तो ये नंबर लाइन पर नहीं होता है. ये फॉल्स होगा. एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. प्रत्येक रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है. रियल नंबर में रेशनल नंबर इरेशनल नंबर दोनों होते हैं. ये इरेशनल नंबर नहीं होगा तो ये फॉल्स होगा. सेकंड, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल. क्या स्क्वायर रूट जो पॉजिटिव होता है इंटीजर का वो इरेशनल होता है? तो ये भी होगा. अंडर सभी इरेशनल नंबर नहीं होते हैं. यस भी, जैसे अगर अंडर रूट वन है, वन की वैल्यू वन होती है. अंडर रूट टू की वैल्यू इरेशनल नंबर होती है. अंडर रूट थ्री है, इरेशनल नंबर है. अंडर रूट फोर है, अंडर रूट फोर की वैल्यू टू है, रेशनल नंबर है. तो अंडर रूट तो ये जो आर द स्क्वायर रूट ऑल पॉजिटिव इंटीजर इन रेशनल नंबर, इन रेशनल सब नहीं होता है. तो ये जो है फॉल्स होगा. इफ नॉट यदि नहीं, गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज द रेशनल नंबर. रेशनल नंबर का एग्जांपल देना है. अंडर रूट फोर, अंडर रूट फोर इक्वल टू टू. अब टू जो है रेशनल नंबर है, ये एग्जाम्पल हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर थर्ड, सो हाउ अंडर रूट फाइव कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन. अंडर रूट फाइव को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. इसके लिए एक लाइन ड्रा करेंगे, वन सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करेंगे. फिर इस पर परपेंडिकुलर वन सेंटीमीटर खींचेंगे, वन सेंटीमीटर. अब इसका डायगोनल ड्रा करेंगे तो ये वन वन ए अंडर रूट टू हो जाएगा. अंडर रूट टू से अब इस डायगोनल पर परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, 90 डिग्री यहाँ बनाएंगे, इसको ज्वाइंट कर देंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट थ्री. अंडर रूट टू का स्क्वायर टू, वन का स्क्वायर वन. अंडर रूट टू का टू प्लस वन अंडर रूट थ्री. अब फिर जो है इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे. ये वन हो गया, इसको ज्वाइंट कर देंगे. ये अंडर रूट थ्री है, अंडर रूट वन है. अंडर रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, वन का स्क्वायर वन, थ्री वन फोर. ये हो जाएगा टू. इसके बाद यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और इसको ज्वाइंट कर देंगे. वन हो गया, ये टू है. पाइथागोरस थ्योरम में टू का स्क्वायर फोर, वन का स्क्वायर वन. ये हो गया अंडर रूट फाइव. अब इस लाइन को बढ़ा देंगे और यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे. ये जो लाइन होगी यहाँ से ए बी, ये हो जाएगा अंडर रूट फाइव. इसके लिए एग्जांपल नंबर थ्री को
पढ़ लीजिए। एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट।